हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ दिनों से मेरे जो डक हैं वो 2-4 अंडे दे रहे थे, बट मैंने इसमें कुछ ऐसा चेंजिंग किया है जिससे काफ़ी अंडे आ रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इनको खाने में ऐसा क्या देता हूँ। कुछ ट्रिक है जिसको आप समझिए और देखिए, आपके यहाँ भी ज़्यादा अंडे आएंगे। ओके, ये वो जो धान से निकलता है वो वाला कोढ़ा है। और ये हमने थोड़ा सा धान डाल दिया है इस पे। धान ज्यादा नहीं डाला है, ऊपर ऊपर ही है, थोड़ा सा है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो अपन जो खरीदते हैं मार्केट में, चूना मिलता है एक पैकेट बोरा 20 किलो 25 किलो का मिलता है, हर हार्डवेयर के दुकान में मिल जाता है। ये देखिए, ये चूना है जिससे अपन घर में पोताई करते हैं, ठीक है। इस चूने को एक मुट्ठी लेना है। ये देखिए, एक मुट्ठी लिया, ये छिड़काव कर दिया, ये थोड़ा सा और, बस। अब इसको अच्छे से मिला दीजिए। ये जैसे कि देख पा रहे हैं हम, उसमें चूना मिला करके, ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी ही चूना देना है एक घमेला में। और ऐसा मिक्स करके अपन तैयार कर लिया। 2 मिनट फूलने देंगे क्योंकि कोढ़ा जो है वो फूलता है। अब उस कोढ़ा को फूलने के बाद अभी हम लेके चलेंगे और वहाँ अंडा कलेक्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। ओके, हमने इसको खाने के लिए दे दिया है। अब देखते हैं कि ये टोटल कितने अंडे दिए हैं। यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं। ये 2 और ये यहाँ पर 1 है, ये 1, और ये हमने जो कुछ दिन पहले जगह बनाया था, अरे यहाँ तो, और ये यहाँ पर 2 है। तो देख पा रहे हैं ये टोटल 8 अंडे दिए हैं, जिसमें से मादी हमारे पास 13 में से 3 चार मेल है। और बाकी फीमेल है। मतलब सबके सब अंडे दे रहे हैं। तो ये रेसिपी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको ये दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। चूने की मात्रा, चूने में कैल्शियम होता है, ज़्यादा मात्रा में ना बढ़ाएं, मेल को थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। थोड़ा कम दें, लेकिन कंटिन्यू अगर आप देते हैं इनके खाने में, तो समझिए कि आपके जो भी डक हैं वो बहुत जल्दी अंडे स्टार्ट कर देंगे। तो ये रेसिपी था सबसे ज्यादा अंडा प्राप्त करने का, कितने जल्दी
जल्दी जल्दी अपन कैसे अंडे ले सकते हैं इनसे। इनको कैल्शियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए। हम ज़्यादातर इसको यहीं पैक करके बंद करके ही रखते हैं। और ये 8 अंडे आपके सामने में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अपन टर्की को भी वैसा ही दाना देते हैं। कई लोग भाई लोग पूछते हैं कि भाई क्या दाना देते हो बोल करके, तो बता रहे हैं आपको कि ये जो डॉग का जो हल्का फुल्का चावल बच जाता है, जैसे कल रात को मैंने दिया था, सवेरे इनका चावल बच गया इतना। और ये अपन थोड़ा सा कोढ़ा ले लिए और ये थोड़ा धान है ना, ये अपन को मिक्स करना है ऐसे। गौर कीजिएगा इसमें भी मैं थोड़ा सा चूना मिलाऊंगा। ये देखिए थोड़ा चूना, ये देखिए दोस्तों हमने दाना दे दिया है इनको, कितने अच्छे से खा रहे हैं ये। और ये जब तक सामने में रहूंगा तब तक ये ऐसा गुस्साते रहेगा, नाराज होते रहते हैं। ओके, तो ऐसे करके अपन दाने का खर्चा कम करते हैं और ये लोग हष्ट पुष्ट मस्त हैं एकदम।